नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस का PDF आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 2018, 2019 और 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू, ये पेपर सेकंड, दोनों ही पेपर्स का PDF है। तो आप लोग इसमें से मैं PDF को थोड़ा सा स्लो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोग इसको क्लियरली देख सकें। यहाँ पर कुछ पेजेस ऐसे हैं जो हिंदी में थोड़ा ब्लर हैं और इंग्लिश में थोड़ा सा ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा उन चीज़ों को, क्योंकि ये PDF मैंने बहुत कोशिशों के बाद जितनी क्लियर आ सकती थी उतनी क्लियर मैंने ली है। तो ये शायद आपको कहीं और ना मिले, तो इस चीज़ को आप एक साथ तीनों पेपर्स को देख सकते हो। यहाँ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर नंबरिंग देखनी है तो यहाँ पर ये देखिए, कुछ में आपको हिंदी में नज़र आ जाएगी। ये पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन जा रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्थिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है, द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, यहाँ पर ये नंबर थर्ड है। तो PDF में कन्वर्ट करते टाइम इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको महसूस होंगे, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड दिस PDF। पर इस PDF में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के, और कभी कभी ये BSc को भी मिल जाता है ये सब्जेक्ट। तो आई ट्राई माय बेस्ट टू टेक द होल PDF। नंबर 9 के बाद नंबर 10 यहाँ पर आ रहा है। ये साइड आपकी इंग्लिश मीडियम में चल रही है और ये साइड आपकी हिंदी मीडियम में। आप कुछ नंबरिंग पेज नंबर से भी क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखते रहिए कि जितना भी आपको जो भी क्वेश्चंस को एक आइडिया लग जाता है कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा आने वाला है, और कभी कभी हम लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो जाता है।
से आप लोगों का पेपर सेकंड शुरू हो जाता है और जो पेपर सेकंड है हर पेपर में यहाँ पर आपको 2 घंटे मिलते हैं और आपको साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग भी हो, तो इंस्ट्रक्शंस जो आपकी कॉपी पर लिखे हों वो उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पेपर सेकेंड को स्क्रॉल करने जा रही हूँ।
Namaskar.